आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह के पॉपकॉर्न की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कैरेमल पॉपकॉर्न और बटर पॉपकॉर्न, वो भी बिल्कुल थिएटर में मिलने वाले पॉपकॉर्न की तरह। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द परफेक्ट टेबल में। तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह से कॉर्न कर्नल्स। ये जो मार्केट में मिलने वाले भुट्टे के दाने नहीं है, ये मार्केट में आपको पॉपकॉर्न के कॉर्न कर्नल्स के नाम से ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर को गरम रखकर इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। बटर जैसे ही मेल्ट होता है हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे कॉर्न कर्नल्स। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक बटर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता हम इसे स्टर कर लेंगे और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसके ऊपर लीड लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें प्रेशर कुकर की इस तरह से रिंग निकाल लेना है और उसके बाद विजल भी चाहे तो आप निकाल सकते हो। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसे छोड़ देंगे। जब तक इसके अंदर से पॉपकॉर्न फूटने की आवाज़ बंद नहीं हो जाती आपको गैस बंद नहीं करना है। तो यहाँ देखिए आवाज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी है, तो गैस को बंद करके हम लीड को ओपन कर लेंगे। तो चलिए अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक सर्विंग बोल के अंदर। तो ये लीजिए हमारे बटर पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। इसके ऊपर आप चाहो तो कोई मसाले डालकर मसाला पॉपकॉर्न बना सकते हो, पर मैं आपको इससे आज कैरेमल पॉपकॉर्न बनाना बताऊंगी। कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को गरम रखकर इसके अंदर 1/4 कप डाल दी है शुगर। शुगर को हमें स्प्रेड कर डालना है और इसे मेल्ट होने देना है। जैसे ही मेल्ट हो जाएगी हम स्पैचुला से इसे मिक्स करते हुए अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब हम इसका कैरेमल बनाकर तैयार करेंगे। तो जब तक ये कलर में नहीं बन जाती और पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती हमें इसे लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यू स्टर करते जाना है। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, पर अभी भी इसे थोड़ा कलर आना बाकी है। तो जैसे ही इसके ऊपर डार्क कलर आ जाएगा हम इसे स्टर करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑफ कर इसके अंदर डाल दिया है बटर। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे सोडा। तो यहाँ पर बटर बहुत ही परफेक्टली मेल्ट हो चुका है, अब इसके अंदर जाएगा सोडा। तो यहाँ पर मैं 1/8 टीस्पून सोडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 1/4 टीस्पून का बिल्कुल आधा हमें इसमें सोडा डालना है। अगर पिंच से देखा जाए तो 2 पिंच हम इसके अंदर सोडा डालेंगे। सोडा डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए ये बहुत ही लाइट और फ्लफी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पॉपकॉर्न, जो हमने बटर पॉपकॉर्न बना के रखे थे उसे इसके अंदर डालकर हमें इसे स्टर कर लेना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कंटिन्यू इसे स्टर करते जाएंगे। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो ये हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ देखिए कैरेमल और पॉपकॉर्न अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही इसे परफेक्टली कलर आ चुका है। तो अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए पॉपकॉर्न बहुत ही परफेक्टली ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ठंडे होने के बाद इस तरह से चिपक जाते हैं, तो हमें एक एक कर इसे तोड़कर सेपरेट कर लेना है। तो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रंची से हमारे कैरेमल पॉपकॉर्न बनकर तैयार हैं। तो कैसे लगे आज के हमारे दोनों पॉपकॉर्न की रेसिपी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।